हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज अतीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बम्पर एड्स क्या होते हैं। मैं क्विक ओवरव्यू दूंगा आपको ताकि आपको मल्टीपल चीजें एक्सप्लेन कर सकूं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप ये यूट्यूब पे किस तरह अपीयर हो रहे होते हैं और कौन सी बिड स्ट्रेटेजी इसमें आप यूज कर सकते हैं। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बम्पर एड्स क्योंकि ये 6 सेकेंड के एड होते हैं, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। इसमें ये होता है कि हम अगर वीडियो ऐड करते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट स्पैन होता है, शॉर्ट टाइम होता है इसमें, तो हमारा ब्रांड अवेयरनेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और एक बात आपको बताता चलूं, क्योंकि ये 6 सेकंड होते हैं के ऐड होते हैं और यूट्यूब व्यूज जो काउंट करता है वो 10 सेकंड पे करता है, तो इसका मतलब है कि ये सीपीवी पे नहीं चलेंगे, कॉस्ट पर व्यू पे नहीं चलेंगे, ये चलेंगे कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे। कि इन वीडियोज पे हम इनको हम इम्प्रेशन बेस पे चला रहे होते हैं, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था इसका। उसके बाद इसके बेनिफिट्स, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये शॉर्ट स्पैन के ऐड होते हैं तो इसको हम क्योंकि मैंने बताया आपको कि यूट्यूब जो है 10 सेकंड पे एक व्यू काउंट करता है, तो ये व्यू की बजाय ये सीपीएम बेस पे चल रहे होते हैं, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन पे चल रहे होते हैं। तो इस वजह से क्योंकि इंप्रेशन के हिसाब से हम पैसे पे कर रहे होते हैं, तो 1000 इंप्रेशन आएगा तो हम स्पेसिफिक अमाउंट पे करेंगे, तो इस हिसाब से ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाते हैं कि हम 1000 इंप्रेशन पे कर रहे हैं। पहले हम अगर 10 सेकंड का ऐड है तो हम एक व्यू की बेस पे पे कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ यूजर बढ़ जाते हैं, इस वजह से ये कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद नॉन स्किपेबल, क्योंकि ये 6 सेकंड होते हैं, ठीक है, और नॉन स्किपेबल के लिए स्किपेबल के लिए आपको 15 सेकंड से ज्यादा या 15 सेकंड की वीडियो होनी चाहिए आपके पास, तो इस वजह से ये इनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, जिसकी वजह से ये नॉन स्किपेबल स्किपेबल भी कंसीडर होते हैं। उसके बाद यूट्यूब मैसिव रीच, क्योंकि यूट्यूब के पास एक्टिवली 2.6 बिलियन का डाटा है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, तो इन एड्स के थ्रू मैसिव रीच ले सकते हैं हम, क्योंकि ये इंप्रेशन बेस पे हम चला रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद एड टारगेटिंग स्ट्रेटजी, हम डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं इसके अंदर, हम डिटेल डेमोग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, एज वाइज डाटा दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं, जेंडर दे सकते हैं, एवरेज इनकम वाइज हम ऑडियंस लगा के अपनी डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। इम्प्रूव्ड एड रिकॉल, क्योंकि इस वीडियो में जो टाइम स्पैन है वो छोटा होता है तो हमारे एड ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा ऑडियंस को जा रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे एड हम चला रहे होते हैं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन की बेस पे, तो इस वजह से ये एड रिकॉल हमें इम्प्रूव हो जाता है हमारा। बूस्टेड ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि हमारे पास हमारी वीडियो की लेंथ छोटी होती है, हमारे पास रूम ज्यादा होता है, हम कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन 1000 इंप्रेशन की बेस पे गूगल को यूट्यूब को पे कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमारी ब्रांड अवेयरनेस, क्योंकि ज्यादा लोगों को ऐड नजर आएंगे तो हमारी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ जाएगी, बूस्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर ज्यादा हमारे ऐड पे इंप्रेशन दे रहे हैं। उसके बाद ये किस तरह अपीयर होते हैं यूट्यूब पे, ये इस तरह एक वीडियो के अंदर 6 सेकंड का ऐड चलता है जिसको हम बम्पर ऐड बोलते हैं। उसके बाद इसमें बिड स्ट्रेटजीज कौन कौन सी यूज होती हैं, इसमें हम टारगेट कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन यूज करते हैं, और इसका ये इसको कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है कि जो आप अमाउंट स्पेंड करेंगे, जो आपकी कॉस्ट लगेगी उसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल इंप्रेशन पे, तो वो सीपीएम निकल आएगा। तो ये फॉर्मूला इस वजह से दिया ताकि आपकी आपको क्लैरिटी हो कि चीजें किस तरह वर्क कर रही हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।